हाँ, डीसी बांडे का भी मैं ट्रिक देता हूँ आपको क्या करना है, डीसी बांडे का भी कैसे करना है मैं आपको ट्रिक देता हूँ। किसी ने पूछा यहाँ पे कि डीसी बांडे, तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, पहले डीसी बांडे का ट्रिक दे देता हूँ, क्योंकि वो फिर वापस अपना लास्ट लास्ट में टाइम बचता नहीं है, फिर मैं बोल देता हूँ कि हम वो नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले डीसी बांडे का ट्रिक देखते हैं अपन और फिर इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, डीसी बांडे कैसे करने का मैं बोलता हूँ, जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है उनके लिए ही बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग एडवांस ओरिएंटेड है उनकी ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी मेरे पास ना ये मतलब पूरा ना पार्ट टू है ये, अभी कवर भी और सब चेंज हुआ है, ये पहले वाला कुछ है। ठीक है, क्या करना है मैं तुमको बताता हूं। डीसी पांडे में ना, डीसी पांडे के एक्चुअल में जो थेरी पार्ट है, थेरी पार्ट मतलब वहां पे ना सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं वो भी अच्छे हैं, और उसके कुछ कुछ जैसे कि फॉर जेई एडवांस ऐसे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे फॉर जेई एडवांस करके सेक्शन में। ठीक है, तो जेई एडवांस के लिए, फॉर जेई एडवांस के सेक्शन में जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं वो भी आप खुद करोगे और फिर सोल्यूशन देखोगे, और टाइम गया आधा घंटा एक क्वेश्चन के ऊपर चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, ठीक है मतलब कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ इसका। फॉर जेई मेन, ठीक है, जेई मेन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो डीसी पांडे में आपको दो चीजें मिलेगी। ठीक है, तो ये डीसी पांडे के अलग अलग वॉल्यूम्स है, इसमें आपको ना दो चीजें मिलेगी आपको। लेवल वन जो होता है, तो लेवल वन में मतलब मैं ऐसा लिखता हूं लेवल वन, तो लेवल वन में सपोज दो चीजें रहेगी, एक रहेगा सब्जेक्टिव और एक रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहले तो लेवल वन का जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेट क्वेश्चन करो, हर एवरी अल्टरनेट क्वेश्चन आपको सॉल्व करो पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, किसका, लेवल वन का। ठीक है, लेवल टू का ऑब्जेक्टिव मत उठाओ। ठीक है, ये तो आपको करना है, ये करना है मतलब ये रैंडमली उठाओ, जैसे कि आपका सपोज अभी पूरा मैकेनिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने को है, राइट, तो जो भी चार से पांच चैप्टर्स आपके होंगे, जैसे काइनेमेटिक्स लिया, कभी कभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिया, कभी कभी दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन लिया, कभी कभी काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ वर्क फॉर एनर्जी, तीनों तीन टॉपिक ले लिया, तो तीनों तीन टॉपिक में सपोज आपको ऐसा पकड़ लो 30 questions करने, 30 questions। ठीक है, ऐसा पकड़ लो आपको ना 30 questions करने हैं, तो क्या करोगे 30 questions में अराउंड 25 questions आप इससे करोगे लेवल वन से, और लेवल टू से अराउंड कितने क्वेश्चंस करोगे 5 questions, क्योंकि क्या होने वाला है बताया, लेवल टू के जो 5 questions है ये करने के लिए जितना टाइम लगने वाला है ये इतने करने के लिए लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि लेवल टू का 5 questions मतलब ऐसा पकड़ लो कभी कभी एक क्वेश्चन लेवल आपको स्ट्राइक नहीं हुआ, तो लेवल टू का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको एक एक घंटा भी जा सकता है सपोज वो स्ट्राइक नहीं हुआ तो। ठीक है, जो कर रहे हैं वो लोग बताएंगे। ठीक है, और हाँ जैसे अभी एक का इधर मैसेज आया, स्वयं के मैसेज आया कि सर 5 will be also too much, बिल्कुल वो 5 भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 या 3 questions होंगे आपने सोल्यूशन नहीं देखा, तो बेवकूफ बनाओगे खुद को सोल्यूशन देख के तो अलग बात है। ठीक है, खुद से ट्राई करने जाओगे ये करने के लिए, स्ट्राइक होने के लिए तुमको एक क्वेश्चन को भी कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी जा सकता है स्ट्राइक होने के लिए, क्योंकि देखो सबसे जरूरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खुद को स्ट्राइक होना चाहिए, यही तो आप बढ़ा रहे हो। तो लेवल टू जो होता है डीसी पांडे का, लेवल टू इज सब्जेक्टिव, इज प्रॉपर जेई एडवांस, एंड जेई एडवांस मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल दोनों मिलेंगे आपको, जेई एडवांस का मीडियम एंड डिफिकल्ट पार्ट इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, लेवल टू के जैसे सपोज आपके 10-10 questions होंगे, कभी कभी ऐसे होंगे 2 questions एकदम लल्लू हो जाएंगे, लल्लू एकदम फटाफट फास्ट सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा लगेगा अरे ये तो एकदम तो जेई मेन से इजी था, ऐसा कभी कभी आपको फील होगा। तो इसी आप में जाओगे आप बाकी के 8 questions, उस 8 questions में कभी कभी आप ऐसे अटक जाओगे आएंगे ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, पेशेंस लेवल चाहिए, थोड़ा सा एक जगह में बैठने को होना चाहिए, आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग वो दिन का 4 या 5 घंटा है तो आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 4 से 5 घंटा तो इसके 3-4 questions देने के लिए लगेगा, समझ लो, मतलब आपको बेसिकली सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बनाना पड़ेगा, मतलब आपको सपोज ऐसा आपने ऐसा टारगेट रखा है चलो मेरे को ना 6 questions सॉल्व करने हैं, तो 6 questions लेवल टू के सॉल्व करने के लिए आपको 4-5 घंटा चला जाएगा, 4-5 घंटा मतलब लाना, इसका मतलब सेल्फ स्टडी का टाइमिंग होना चाहिए आपके पास, तो ही तो आप दे पाओगे इतना, नहीं तो फिर आप क्या करोगे,
आप सपोज 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो या 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने के चक्कर में आप क्या करोगे, लेवल 2 के क्वेश्चन सिर्फ ट्राई मारोगे और 10 मिनट में छोड़ दोगे। हाँ, 10 मिनट में नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, दूसरा कर लिया, नहीं आ रहा छोड़ दिया, उससे आपकी तरक्की नहीं होगी। जो आपको जेई एडवांस, जो लोग जेई एडवांस वाले की बात करें उनकी बात करो, जो लोग को डीसी बंडे करने, फिर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, आप जेई मेन में अच्छा कर लो कि जेई एडवांस में अच्छा नहीं कर पाओगे, सिंपल। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अपना टाइम हो चुका है, 4-5 महीना अपना चालू होके हो चुका है, अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल पे जाना है। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में, मैं बहुत फास्ट वगैरह करके बहुत सारा चीजें पढ़ा देता हूँ, लेकिन जब मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो पूरे लेक्चर में मेरे 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे। ये भी सच्चाई है। तुम बोलोगे अरे भाई पूरे क्लास में सर ने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए, ऐसा होने वाला है। ठीक है, और वो अगले साल होता है जो अपनी एडवांस के लिए जो बैच बनती है उसमें ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 सिर्फ क्वेश्चन ही होते हैं पूरे साल, पूरे लेक्चर में, साल में नहीं। ठीक है, तो लेकिन वो मेरे को भी इतना टाइम लग रहा है डिस्कस करने के लिए, तो आपको भी टाइम लगेगा ही लगेगा, सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बढ़ा। ठीक है, तो अभी एडवांस ओरिएंटेड लोगों कितना घंटा पढ़ना है गाइस, एडवांस ओरिएंटेड लोगों कितना घंटा पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कितना करना है तुमको? 12 आवर्स। हाँ, अभी नहीं, 12 आवर्स मत करो, अभी एटलीस्ट 8-10 आवर्स करो। चलो 8-10 आवर्स करो, जो थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं उनको 8 आवर्स, जो काफी सारा पढ़ रहे हैं उनको 10 आवर्स। ये किनके लिए बोल रहा हूँ मैं? जेई एडवांस वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग एडवांस मतलब जिनको IIT एम है, जिनको IIT में ही घुसना है या टॉप NITs में घुसना है या बिट्स पिलानी वगैरह में घुसना है। ठीक है, मैं टॉप IITs, टॉप NITs एंड बिट्स पिलानी एंड IIIT हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन कॉलेज में आपको घुसना है, मतलब ऐसा पकड़ लो टॉप 7 IITs, टॉप 3 NITs, बिट्स पिलानी और IIIT हैदराबाद, IIIT का सिर्फ हैदराबाद कैंपस, इतने कॉलेज में आपको घुसना है तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो मिल जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर करके, लेकिन ये आपका एम है तो ये करना पड़ेगा। तो इंक्लूडिंग क्लासेस नहीं भाई, एक्सक्लूडिंग क्लासेस। अभी क्लास बहुत ज्यादा हो रही होगी आपकी तो ठीक है, एवरेज फिर थोड़ा सा आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ, क्योंकि अभी आजकल आपकी बोर्ड का भी लेक्चर होता है, बोर्ड CET का भी लेक्चर चालू किया है, लेकिन वो भी अटेंड करो थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अभी अपना जगह ना, मतलब क्यों टाइम पास क्यों कर रहे हो, जगो थोड़ा सा, खुद को जगाओ। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला आपको टारगेट ऐसा रखो कि लेवल 2 के ऑब्जेक्टिव ओके है। मैं लेवल 2 के सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेवल 1 के आपने सपोज 20 क्वेश्चन किए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मिला के, तो लेवल 2 का एक अराउंड टारगेट रखो कि 4-5 क्वेश्चन हो जाए या 4 क्वेश्चन हो जाए। चलो 4 क्वेश्चन का टारगेट रखो, 20 vs 4, ऐसा कुछ करके आप का टारगेट रखो और रैंडमली उठाओ, जो रैंडमली क्वेश्चन करोगे तो रैंडमली उसको टिक करते जाओ कि ये क्वेश्चन हुआ है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अपने को कहना एक साल में खत्म करना है ना, ऐसा नहीं कि आज बैठे के पूरा कवर डीसी बंडे खत्म, पूरा कवर एचसी वर्मा खत्म, पूरा कवर दूसरा दो बुक खत्म, ऐसा मत करो। इसमें आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको क्या लगेगा हाँ ये अपना क्लास का मॉड्यूल भी है सर, एचसी वर्मा भी है, डीसी पांडे भी है, करे क्या, वही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता होगा ना। तो फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपको अभी खत्म करना है ना अपने पास, मतलब ऐसा थोड़ी कि अभी कल ही देने वाले तुम जाइए। तो रैंडमली उठाओ, रैंडमली क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, चलो अभी अपन थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं वापस, क्या क्या मैंने किया था। देखो पहले 3-4 पार्ट आपको दिमाग में रखने थे, याद है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जाते हैं। I=mr2। हाँ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, नहीं अभी एक मिनट, किसी ने एक मैसेज लिखा उसको सिर्फ बोलता हूँ मैं। बोर्ड्स का लेक्चर कंपलसरी है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और मैं अभी अपने अमन सर को ये बोलने वाला हूँ कि जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स, उसका वो बोर्ड्स का कराएंगे, तो बोर्ड्स एंड CET वाला पार्ट वो लोग वो कराएंगे पहले, और फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स का पार्ट लेक्चर होगा मेरा एक्चुअल वाला। सिमिलरली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी वो पहले कराएंगे और फिर मैं कराऊंगा, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, और जिनमें फिर कुछ 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 समझ में नहीं आया होगा, कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़े से बोर्ड एंड CET ओरिएंटेड होंगे, उनको अमन सर वापस लेक्चर लेंगे, तो पूरा का पूरा इस लूप में हम लोग चलेंगे। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे ही होगा। पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं हम। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल करके आ रहा है भाई, प्रॉपर है सर? थोड़ा लैग हो रहा है सर आपका वीडियो। यस सर, थोड़ा सा लैग हो रहा था ना, क्योंकि दिखा अनस्टेबल करके दिखा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो गया, मैंने मोबाइल को ना चार्ज करने के लिए रखा था, वो चार्ज ही नहीं हुआ,
अभी देख रहा हूँ मैं 15% बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ फिर चार्ज पे लगा दो, तुमको क्वेश्चन दूंगा आज, आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आज। देखो बटन चालू किया, ठीक है, चलो चलो यहाँ पे देखो, चलो फटाफट यहाँ पे देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले तो एक दिमाग में रखना है, एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल ऐसे एक्सिस के अबाउट घूमेगा, मतलब मास एक घूम रहा है, उसका डिस्टेंस आर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे एकदम पहले बोला था, मैं फटाफट यहाँ पे बताते जाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था एकदम स्टार्टिंग में, एम आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये सिंगल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, फिर अलग अलग मासेस एम वन एम टू एम थ्री, तो क्या होगा एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, तो बेसिकली ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट मासेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए थे, दो तीन ऐसे क्वेश्चन अपन ने करवाए थे, उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास, कंटिन्यूस मास मतलब क्या, उसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, सबको कंबाइन किया जाए तो इनफाइनाइट पार्टिकल, मतलब क्या, एक पार्टिकल डीएम मास का हो गया डिस्टेंस आर से कुछ ऐसे, तो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। अब ऐसे सारे पार्टिकल्स को अपन ने क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनफाइनाइट चीजों को ऐड करना मतलब क्या, इंटीग्रेशन, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल डेफिनेशन, जिसमें मैंने तीन चीजें बेसिकली डिफाइन की थी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखो, क्या बोला था मैंने, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लैम्ब्डा क्या होता है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल मास डिवाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस, हाँ, इधर m अपॉन l, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल, देखो ना मास डिवाइड बाय लेंथ भी लिख सकते हैं, या dm अपॉन dx भी लिख सकते हैं, सेम चीज, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम ही चीज है, सरफेस मास डेंसिटी का मास अपॉन एरिया लिख सकते हैं, या dm अपॉन dA लिख सकते हैं, स्मॉल मास dm डिवाइड बाय dA, सेम ही चीज ना गाइस, वॉल्यूम मास डेंसिटी भी ऐसे ही करना है, यह चीज दिमाग में रखो। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन से प्रूव किया था, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन था, ठीक है, जिससे मैंने प्रूव किया था कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉर्मल एक लेंथ का, मतलब एक रॉड होता है, रॉड मतलब थीन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml स्क्वायर बाय 12, उसको क्या सेंटर से घुमाया तो, ठीक है, फिर उसके बाद इसका मैंने प्रूव किया था कितना था ml स्क्वायर बाय क्या था 3, फिर उसके बाद रिंग का कितना था, रिंग का सबसे बेस्ट होता है, अब ध्यान में रखना रिंग कैसे घुमा रहे, देखो यहाँ पे रिंग कैसे घुमा रहे, रिंग ऐसे है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, देखो ध्यान में रखना एकदम सिंपल, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट इज फर्स्ट थिंग, दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये तो सेंटर ऑफ मास है ही, बट इट इज परपेंडिकुलर, देखो ना यहाँ पे इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो ना मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मोमेंट मतलब यहाँ पे कैसे है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, ध्यान में रखना इन द प्लेन होता तो मतलब इस रिंग को ऐसे घुमाते तो सपोज ये एक्सिस होती, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सपोज एक्सिस उसके प्लेन में ही होती तो आपको पता ना मैंने कौन सा थ्योरम लगाया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह लगाना पड़ेगा, सपोज यही एक्सिस मैं यहाँ पे लेके जाता ऐसे, तो कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, हाँ, तो ध्यान में रखना ये डिपेंड करता है एक्सिस कहाँ से जा रही है डिपेंड करता है, ठीक है, चलो तो इसका एम आर स्क्वायर था, डिस्क का कितना था एम आर स्क्वायर बाय क्या था 2 था, एम आर स्क्वायर बाय 2 था, उसके बाद हॉलो स्फीयर का कितना था 2 बाय भाई हॉलो स्फीयर, स्फीयर है लेकिन हॉलो है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है एक्सिस 2 बाय 3, दिमाग में रखो ये सब दिमाग में रखो, और सॉलिड स्फीयर का क्या था 2 बाय 5, सब दिमाग में है फटाफट क्या है रॉड का क्या है ml स्क्वायर बाय 12, एंड से ml स्क्वायर बाय 3, रिंग का कितना रिंग का mr स्क्वायर, डिस्क का कितना mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 डिस्क का, सेंटर से पार्ट ऑफ द डिस्क मतलब ये एक्सिस और परपेंडिकुलर है, उसके बाद हॉलो स्फीयर का कितना हॉलो स्फीयर 2 बाय 3 mr स्क्वायर, एंड सॉलिड स्फीयर का 2 बाय 5 mr स्क्वायर, आज दो क्वेश्चन कुछ डेट में गलत थे, गलत थे मतलब सॉल्यूशन गलत था उसका, पीछे वो क्या पता वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, मैंने क्या बोला जितना मास दूर है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, जितना मास दूर है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बढ़ेगा, दिमाग में रखो। चलो तो ये पूरे के पूरे 6 के 6 मैंने आपको बताया,
उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि सपोज एक रिंग है और यहां से सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, तो भाई इंटीग्रेशन से करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हर बार थोड़ी इंटीग्रेशन करेंगे, हर बार थोड़ी आपका इंटीग्रेशन इतना थोड़ी अच्छा है जहां पे आप इंटीग्रेशन ऑफ dmx वगैरह कुछ करेंगे और आंसर निकालोगे, नहीं पॉसिबल है, इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते, डिफिकल्ट जाएगा। इसीलिए दो अपन ने एक्सिस थ्योरम बनाए थे, एक क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम था क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब क्या कि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंटम इनर्शिया अबाउट क्या, एक्सिस टू सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, दिमाग में डालो प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, दिमाग में आया क्या इस चीज, दिमाग में आया, यस हाँ। तो बेसिकली सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, देखो ये सेंटर ऑफ मास से था, इस एक्सिस से निकालना है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस था डी इज इक्वल टू आर था, तो ऐसे मैंने करके ये सेम चीज डी की जगह आर डालो, ये हो गया मेरा, यहाँ पे सपोज डी आर बाई टू था तो यहाँ पे आर बाई टू डाल दिया, तुम्हारा ये हो गया, याद है ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू देखो, यहाँ पे डिस्क था तो डिस्क का इधर कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, एम आर स्क्वायर कर दिया तो थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो गया, हॉलो स्फीयर का भी किया अपन ने, हॉलो स्फीयर का भी ये हो गया, सारे के सारे आई थे स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर हो गए थे, नहीं फिर सेकंड कौन सा एक्सिस थ्योरम था, यस एंड दिस इज वैलिड फॉर विच बॉडीज, कौन से बॉडीज, ओनली टू डायमेंशन, तो हॉलो स्फीयर, स्फीयर के लिए वैलिड होगा क्या फिर, नहीं थ्री बॉडीज है, तो टू डी बॉडीज के लिए वैलिड होता है, और इसका मतलब क्या आई जेड इज इक्वल टू क्या आई एक्स प्लस आई वाई। अब अपनी लकीली क्या हो गया रिंग के लिए, जब रिंग ऐसे घूमती है, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिंग है, रिंग तो रिंग के लिए रिंग जो है उसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, तो आई एक्स एंड आई वाई दोनों क्या हो जाएंगे, आई एक्स एंड आई वाई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल क्यों, क्योंकि ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है ना, आई एक्स एंड आई वाई इक्वल हो गया, और आई जेड की वैल्यू कितनी थी, वो तो रिंग की अपन निकाली थी ना एम आर स्क्वायर, तो इससे अपना एम आर स्क्वायर टू आया रिंग का, आई अबाउट एक्स एक्सिस एंड आई अबाउट वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे नए स्लाइड डालता हूँ और कुछ चीजें चालू करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, आज मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और मुझे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाना है, बहुत ही भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी का, फिर अगले हफ्ते में अपन टॉर्क लेंगे, मतलब अगले हफ्ते से एक्चुअली अपना अलग लेवल का रोटेशन चालू हो जाएगा, पहले चार लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सब लोग को बैठना है, जेई मेन नीट जेई एडवांस सबको, बाद के लेक्चर में बताऊंगा वो ऑप्शनल हो जाएंगे आपके लिए, एक दो लेक्चर में और लूंगा वो ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है, नीट वाले लोग नहीं बैठे तो भी चलेगा लेकिन बैठना है, ओके एक मिनट, आपका जरा अटेंडेंस लिया जा रहा है तो मुझे ऐशल मैडम को जरा ऐड करना है, अरे किसी को माइक म्यूट म्यूट का ऑप्शन दे दो, अभी हैंड रेस कर लो, अभी मैंने मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, बाद में नहीं हो पाएगा, जल्दी करो फटाफट, लोगों ने हाथ हैंड रेस कर लिया, लोग भी होशियार है, ठीक है गाइस, और अंदर अंदर ना कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो अंदर ऐसा आते हैं थोड़े देर के बाद लेक्चर छोड़ के जाते हैं, उनका भी सब कुछ नोट डाउन हो रहा है, तो अब बचोगे नहीं, हाँ चलो गाइस,
अब यहाँ पे मुझे पहले तो बताओ, ये हो गया। अब मैंने आपको जैसे बोला दो ही तो एक्सिस थ्योरम होती है, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या होता है एम इंटू डी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, देखो आइदर इक्वेशन इसको यूज करना है, ये आई अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। ये दो इक्वेशन को अलग अलग से यूज करो या एक साथ यूज करो, ऐसे इक्वेशन बनते हैं, राइट। अब मैं आपको ना एक दो मतलब अलग 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 क्वेश्चन बताता हूँ, पहले एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, अगले इसमें किए हुए थे पिछले इसमें, वो करते हैं अपन। पहले मैं ऐसा पकड़ा ये डिस्क है, ठीक है, सब लोग यहाँ पर देखो ये डिस्क है, ध्यान से सुनो, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से सुनो, ये मास एम है और इसका डिस्क का रेडियस है आर। पहले तो मुझे बताओ इसके इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू कौन से एक्सिस पे था, कौन से एक्सिस पे था, जेड रेड एक्सिस, क्योंकि देख ये एक्सिस नहीं, जो पेन पकड़ लो, जो पेन आउट ऑफ द पेज आ रहा है और फिर ये घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा था ना ओमेगा से, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो आई अबाउट मैं इसको जेड एक्सिस बोलता हूँ जो बाहर आ रही है, मतलब आउट ऑफ द पेज आ रही है, इसके अबाउट था, बाकी कोई भी एक्सिस के अबाउट पता नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे आई अबाउट ना, मतलब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये एक्सिस चाहिए, आई अबाउट सपोज एक्स एक्सिस चाहिए। अब क्या है ना ऐसे, अब मुझे तो आई अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगी, जेड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मुझे तो आई अबाउट वाई भी क्या होगा, वाई भी क्या होगा, सेम ही होगा ना, यस सर, आई एक्स हो आई वाई हो, ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ सेम ही होगा। ऐसे घुमाना मतलब क्या, देखो ओमेगा ऐसा लिखा रहेगा, देखो ओमेगा ऐसे ऐसे इस तरीके से घूम रहा है। अब मुझे बताओ ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, सेम ही है, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं अपना, अरे टू डायमेंशन बॉडी है, दिस इज टू डी बॉडी, अब टू डी बॉडी के लिए क्या लगेगा, ये लग सकता है, तो आई अबाउट जेड करेंगे आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई, नाउ आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई जो अपने को पता ही है, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, टू इंटू आई एक्स हो जाएगी ना, आई एक्स प्लस आई एक्स, और मुझे बताओ आई अबाउट जेड की वैल्यू कितनी थी, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एम आर स्क्वायर बाई क्या हुई, फोर। फोर। तो ये तो अपन ने क्या किया, इसमें क्या लगाया बताओ मुझे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब किसी ने बोला देखो इसका ही आगे वाला वर्ग, एग्जाम्पल टू, तो सिंपल देख यार, रिंग और डिस्क मैंने एक याद रखो, ये नीट एंड जेई मेन के लिए याद रखना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो उसके प्लेन वाला कितना है, सेंटर ऑफ मास से जो आ रहा है एक्सिस, एम आर स्क्वायर बाई फोर, बाई टू करने का सीधा बाई टू। मुझे तो रिंग का एम आर स्क्वायर है, तो डायरेक्टली उसके प्लेन का कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, बाई हाफ कर देने का। अब एग्जाम्पल टू देखो, सेम चीज सेम डिस्क, यहाँ पे देखो सेम डिस्क, हाँ डिस्क सेम, यहाँ पे देखो डिस्क सेम, मोमेंट मतलब एक्सिस जा रही है यहां से, लेकिन इन द प्लेन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अपने को पहले एकदम स्टार्टिंग में कौन सा पता था, कौन सा पता है अपने को, आईजेड को पता होता है, आईजेड पता होता है, फॉर्मूला किसका पता होता है, पता होता है, यहां से इधर पहुंचना है मुझे, तो पहले क्या करेंगे, IZ की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, IZ की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप होगा मेरा IY, जिसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो भी किया मैंने, तो IY की वैल्यू मिली, IY की वैल्यू कितनी मिली, एम आर स्क्वायर बाय क्या मिली, फोर। देखिए मुझे बताओ ये IY जो है वो तो सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है ना, ठीक है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास से ही है, दोनों सेंटर ऑफ मास से ही है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से यहां पे इसको शिफ्ट करूंगा, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, R। फिर कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, जो कितना है, I about this axis, I about A is equal to क्या, I about center of mass plus m into D square, मेरा फॉर्मूला था, तो I about center of mass था कितना यहाँ पे, कितना था, mr square by 4। और D की वैल्यू कितनी है, R, तो mr square, तो आंसर कितना है यहाँ पे बताओ मुझे, कोई दिक्कत है क्या, मुझे अभी सब बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, अभी याद आ गया तुमको, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक क्वेश्चन तुमको देना चालू करता हूँ जिसमें तुम्हारी हालत खराब होना चालू होगी, ठीक है। तो उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देता हूँ, क्या आप लोग करोगे, फटाफट करो, चलो इसको ये आप लोगों को करना, एग्जाम्पल टू आप लोगों को करना, ऐसा पकड़ लो एक यहाँ पे रिंग है,
रिंग का मास दिया है एम और रिंग का रेडियस दिया है आर, ठीक है, और यहां पे एक ऐसी एक्सिस है, ठीक है, इसी प्लेन में है एक्सिस, जिसमें सपोज ये देखिए रिंग का रेडियस आर है ना, जिसमें ये रेडियस जो है, सुनो यहां पे क्या दिया है, देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, ठीक है, और इसका रेडियस है आर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा घुमा रहे रिंग को, ऐसा घुमाया जा रहा है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज इस रिंग को ऐसे घुमाया, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, निकालो जरा, तब तक मैं चार्जर लेके आता हूँ और चैट पे आंसर लिखो। सर ये प्लेन में ही दिख रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन होता तो मैं अलग से लिखता ना, इन द प्लेन। ठीक है गाइस, पहले मुझे बताओ कि क्या करोगे इसमें, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? We'll find I about X. पहले I about Z जो है, देखो I about Z कितना होता है रिंग में M MR square. MR square. इसके बाद ये जो था ये था I about क्या? X. X-axis. I about X क्या होगा? MR square by क्या? 2
फिर उसके बाद ये जो D होता है, देखो ये D मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए रखा था, ये जो D होता है R sin 60, R sin 60 is root 3 R by 2, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा I about X, any X is equal to I about center of mass plus क्या M D square, I about center of mass कितना होता है mr square by 2 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है रूट थ्री आर बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस कितना थ्री एम आर स्क्वायर बाय फोर, तो आंसर कितना आया फाइव आर स्क्वायर बाय फोर। समझ में आया तुमको, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करो इसको, जिसको भी नहीं आया गाइस, ये क्वेश्चन जिसको भी नहीं आया है, ठीक है, तो उसको पहले लिखो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा, चार्ज भी करने को मिलेगा मुझे। सो IX MR स्क्वायर बाय 2 कैसे हुआ, वो नहीं समझा। अरे भाई अभी तो बताया है, IZ इतना है, IZ बाहर परपेंडिकुलर होता है, तो IX एंड IY कैसे होता है? ये IX एंड IY होता है ना, भूल गया क्या, इन द प्लेन। सर मेरे को लगा IZ MR स्क्वायर बाय 2 था। अरे नहीं नहीं, IZ इज MR स्क्वायर ना, रिंग है, रिंग। हां सर, तो IX इज MR स्क्वायर बाय 2 आधा होता है ना, ये तो था अभी। यस सर, मतलब क्या करेंगे, IX प्लस IY इज इक्वल टू क्या करेंगे, IZ। IX एंड IY दोनों सेम ही है ना, तो 2IX इज इक्वल टू IZ, तो IX कितना हुआ, IZ बाय 2, जो मैंने रिंग एंड डिस्क के लिए याद रखने के लिए बोल दिया था अभी, राइट। जेई का 4 अटेम्प्ट होने वाला है क्या, नहीं वो तो इस होगा तो भी इस साल के लिए होगा, और अभी तक वो कंफर्म नहीं है, वो तो उसने जस्ट बोला है, अब तक कंफर्मेशन सब आएगा बाद में। चलो आगे बढ़ो, पहले आगे करते हैं, एग्जांपल 3 करते हैं, गाइस एग्जांपल 3 करो। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मैं पहले वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको वो करवाता हूँ, ये मास m एंड लेंथ का, पता है ट्रायंगल दिया था मैंने, यस सर, इसका मास m है, इसका लेंथ l, इसका भी मास m, इसका लेंथ l, किसका आया क्या चीज, करो इसको अभी सॉल्व करो, ये आई अबाउट, मुझे ये पॉइंट है, ये सेंटर है, सब सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ओमेगा ऐसा घूमना है, तो मुझे बताओ यहाँ पे आई अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा, निकालो आई अबाउट जेड एक्सिस में कितना होगा, निकालो, किसका माइक चल रहा है, ऋषिकेश पाटिल बताओ, शिवराज का आया था, ओके ठीक है, जिन लोग का आया था वो आंसर में लिख दो, चैट पे लिख दो, मुझे समझ में आ गया किसने किया है। जो भी जिसने किया था आंसर लिखो और फिर वापस करो, मैं आंसर एक्चुअल वाला बताऊंगा नहीं। परम मोदी कितना है, आंसर कितना आ रहा है सर, ट्राई करो, कर कर
राइट कुछ कुछ लोग का सही आया है, कुछ लोग का गलत आया हुआ है, यहाँ पे सब लोग देख लो आंसर बताओ या और एक दो मिनट चाहिए तुमको? Two minutes, sir. चलो दो मिनट और देता हूँ, चलो गाइज यहाँ पे देखो, चलो चलो यहाँ पे देख लो गाइज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई अबाउट जेड ये चाहिए राइट, इसके अबाउट तो पहले तो मुझे तो ये रॉड है, देख एक रॉड का देखो, मुझे तो तीनों तीन रॉड सिमेट्रिक है कि नहीं है, तीनों तीन रॉड क्या सिमेट्रिक है? Yes, तो पहले yes, मुझे yes, होता ये, हाँ, yes, तो ये हाँ तो ये ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये रॉड है, ये रॉड ठीक है, तो इस रॉड का आई अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस में क्या होगा? अब भाई तुम मुझे एक बात बताओ यार, रॉड को ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, रॉड अपना ना वन डायमेंशन वाला चीज है, तो सब जगह पे एम एल स्क्वायर, इधर कोई ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मत लगाओ रॉड के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए वैलिड होती है गाइस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई, सेकंड डायमेंशन, टू डायमेंशन, भाई वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन मतलब क्या, एक रॉड होगा उसको ऐसा घुमाओ ऐसा घुमाओ, वो सेमी तो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है? यस यस सर, तो ये आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट दिस एक्सिस रॉड का,
ये भी जेड एक्सिस ही पकड़ लेते हैं, मैंने रॉड को सपोज ऐसे घुमाया तो क्या होगा, मैं इसको ऐसा ऐसा ड्रॉ करता हूँ, रुक ऐसा पकड़ ले, एक रॉड यहाँ पे दिया है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस रॉड का, तो पहले क्या करेंगे अपन, आई अबाउट ए एक्सिस करेंगे, ठीक है, रॉड का जैसे सेंटर ऑफ मास कितना हुआ है, एम एल स्क्वायर बाय क्या हुआ, 12 एम एल स्क्वायर बाय 12। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, जो डिस्टेंस है, अब ये थोड़ा सा आपको मैथ आना चाहिए, आपका एल रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री एल बाय टू, एल बाय टू रूट थ्री, एल बाय टू रूट थ्री, क्यों क्यों, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब ये एल होगा, तो ये कितना होगा, रूट थ्री एल बाय टू, टोटल डिस्टेंस है टू रूट थ्री, यस सर, उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये सेंट्रल आंसर कितना है, वन बाय क्या, एल बाय टू रूट थ्री, मतलब एल बाय टू रूट थ्री, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ना गाइस, ये निकालना जरूरी है, एल बाय टू रूट थ्री, जिसको ये नहीं आया होगा होमवर्क, ये डिस्टेंस क्यों आया, तुम्हारा मैथ का काम है वो, मेरा इधर का प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, एल बाई टू रूट थ्री करो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मुझे पता है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई अबाउट जेड निकालना है, कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाएंगे अपन, बस तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है, एल बाई टू रूट थ्री का स्क्वायर, तो आंसर कितना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, आगे बढ़ जाए सर, वो पिछली स्लाइड लगा ना, बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, अब एक काम करो, अब मैं दो चीजों का यहाँ पे बोलता हूँ, दो चीजों का, उसका ये बाद में देता हूँ डेरिवेशन, लेकिन मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी जो पिछले बार भी मैंने शायद से होमवर्क के लिए पूछी थी, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसका लेंथ मतलब ए और बी ऐसा कुछ है, और मैंने बोला था कि ये रेक्टेंगुलर स्लैब को, मतलब ये पूरा का पूरा सा स्लैब है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस, अबाउट दिस जेड एक्सिस, और ऐसे घूम रहा है, तो कितना बोला था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना था, m bracket a square upon 12, हां a square plus b square upon क्या, upon 12, ठीक है, और एक और चीज होती है कि सपोज एक रॉड जो है ना, रॉड उसको कुछ एंगल में रोटेट किया, एंगल में देखो दिस इज रॉड, इसका मास m है और जिसका लेंथ l है, और उसको कुछ ऐसे एंगल में रोटेट किया है, मतलब समझ रहे हो ना कैसे रोटेट किया है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे ये रॉड जो ना अभी परपेंडिकुलर करते थे ना, देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 है और ऐसा घूम रहा है रॉड, ठीक है, यहाँ पे रॉड कैसे घूम रहा है, एंगल कितना है थीटा। तो मुझे बताओ आई अबाउट एक्स एक्सिस, ये आई अबाउट एक्सिस ये कितना होगा, तो आई अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, एम का और एल का ये परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है, स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है, क्या इसको गेट्स पर गेट, हाँ क्यों पता है, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस को लेगा ना? किसी का भाई वो माइक म्यूट करो, अब यहाँ पे देखो ये कोई भी लेंथ, मतलब अपन कोई भी लेंथ लेते हैं जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो अपने को ये लेंथ नहीं लेनी है, अभी कौन सी लेंथ लेनी है, अपन एक्स साइन थीटा लेना पड़ेगा ना, ये लेंथ कितनी होती है, एक्स क्या होता है, साइन थीटा, तो आप इंटीग्रेट करोगे, आप लोगों को पता है ना डीएम एक्स स्क्वायर वगैरह अपन करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे साइन थीटा इज कांस्टेंट,
तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या सर? फिर ये कोण का भी सेम रहेगा? नहीं नहीं, हाँ मतलब वो सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना। यस सर। तुम वापस सुनो अच्छे से, ठीक है? वापस एक बार देखो, मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ तुमको, ये फॉर्म याद रखना है, ठीक है? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, एक रॉड है, रॉड रॉड का कितना होता है? पहले इधर उधर मत देखो, पहले यहाँ पे सुनो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है? पहले मुझे बताओ, यहाँ पे डीएम है, ये मास डीएम होगा, डीएम और ये एक्स होगा, तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं अपन? डीएम एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं अपन? अरे बोलो, इंटीग्रेशन करते हैं आंसर, इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर कितना आता है? एक्स लेना है क्या अपने को? परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, जो क्या होगा? एक्स एक्स साइन थीटा। तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? मुझे बताओ, कोई किसी को सपोज किसी ने बोला कि भाई ये एक्सिस है और इसमें जा रहा है, इसमें ऐसा घूम रहा है एंगल थीटा से, तो क्या होगा यहाँ पे? एम एल स्क्वायर बाई 12 बराबर ना साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज समझ में आई तुमको? दो चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन मस्त है, इसका भी डेरिवेशन एकदम मस्त है, दूंगा मैं। उसके पहले दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो थोड़े ट्रिकी है, और उसके बाद इसका डेरिवेशन। और एक चीज, एक क्वेश्चन आया था गाइस, जेई मेन 2000 मतलब दो साल पहले 2018 या 17 में, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन जैसे ही दिख गया, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन जैसे ही दिख गया जेई मेन में या जेई एडवांस में, आपको पता है वो क्वेश्चन तो आपसे होने ही वाला है। तो आप क्या करते हो? हाँ यार, मस्त क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन होता है, फटाफट मैथ्स का, ज्यादा फिजिक्स लगाना नहीं होता, हो जाता है। आपको पता है 2017 का सबसे टफ क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था, तो जो उसमें फंस गया वो फंस गया। कुछ कुछ लोगों के चार चार पांच पांच मिनट गए उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व करने में, 5 मिनट गए जेई मेन में लग गए लोगों के। तो बेसिकली दैट इज, ध्यान में रखना, कुछ भरोसा नहीं है, सब अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको पता चलना चाहिए कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं, धीरे धीरे आएगा आपको। तो पहले लिखना है, लिखो लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन भी करना है आपको। जिनका माइक ऑन है भाई ऑफ कर लो, जैसे आप कुछ बोलते हो उसके बाद माइक ऑफ किया करो। गाइस डू के क्वेश्चन। यस सर। चलो क्वेश्चन लो, सोचो एग्जांपल, एग्जांपल वन। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, मतलब देखो क्वेश्चन को, और फिर क्वेश्चन को करना है आपको। ऐसा एक्सिस है,
रॉड देखो ऐसा लगा है, एक ऐसा लगा है रॉड और ये ऐसा लगा है रॉड, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, इस रॉड का मास m है, इस रॉड का मास m और लेंथ l, और ऐसा करके घुमा रहे रॉड को अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करना है, एग्जांपल वन, दोनों का आंसर मुझे चाहिए चैट पे, दोनों का आंसर मुझे चाहिए चैट पे, इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा मैं, इसके बाद मैं और एक ट्रिकी क्वेश्चन देने वाला हूं, जो वो क्वेश्चन करेगा उसको 500 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब पहले ये वाला, ये दो क्वेश्चन करो, इसी प्लेन में ये एक्सिस है और ये इसका मास m है, एक स्क्वायर है जिसका लेंथ ये a है, ये a है, स्क्वायर है, स्क्वायर, और घुमा रहे हैं इसी प्लेन में और घूम रहा है, समझ तो रही होगा आपको ना, इसी प्लेन में जब मैं अबाउट z ड्रॉ करता हूं तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, एक डॉट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, ये अच्छे लेवल के, मतलब अच्छे लेवल में जेई मेन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जेई मेन में, नीट में अच्छे, नीट में थोड़े से ट्रिकी लेवल के, नीट में थोड़े से अच्छे लेवल के जेई मेन के क्वेश्चन करो सर। हाँ बोलो, एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट ले फटाफट भाई, हो गया? यस सर, ये करो अभी, आंसर चाहिए मुझे चैट पे, चैट पे लिखो, मैं आपको एक अराउंड गिन के एक 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूं मैं, करो चलो। गाइस ये दोनों एंगल सेम है, ये अल्फा है मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वो एंगल कितना है तुमको पता ही चला होगा, राइट 45।
गाइस सब लोग यहाँ, गाइस सब लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सब लोग, गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जो भी है इसके बाद का क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ ना, जिसको 500 रुपए लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है, और पेटीएम नंबर भी दे देना आप, या जीपे नंबर। अब यहाँ पे देखो, मतलब आया तो, और जो कि जिसका पहला आएगा, जिसका आंसर पहला आएगा, ऐसा नहीं सबने किया तो सबको 500 रुपए, जिसका सबसे पहला आएगा उसको 500 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें मुझे पहले बताओ इसमें क्या करेंगे, मतलब ये आई अबाउट, मतलब ये वाला जो चीज है आई अबाउट, मैंने सपोज जेड लिया इसका, आई अबाउट जेड, तो क्या होगा भाई, स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या था रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो क्या था ये फॉर्मूला, क्या था, ए एन बी सपोज सेम है, ए एन बी सेम है तो क्या करेंगे अपन, एम ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, एम इंटू टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 12, तो एम ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 6 फॉर स्क्वायर, एम ए स्क्वायर बाय 6, तो आई जेड क्या हो गया, एम ए स्क्वायर बाय 6, एम ए स्क्वायर बाय 6 आई जेड हो गया। अब मुझे बताओ कोई भी एक्सिस लगाओ, कोई भी एक्सिस लगाओ, सपोज मैंने एक एक्सिस ले ली, आई अबाउट ये वाई एक्सिस ले ली और मैंने जेड एक्सिस ले ली, सॉरी एक्स एक्सिस ले ली, तो मुझे होता आई एक्स एंड आई वाई दोनों क्या होंगे इसमें, दोनों क्या होंगे सेम, तो मुझे बताओ आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड डिवाइड बाई क्या, 2, तो एम ए स्क्वायर बाई 6 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना भाई, आई जेड बाई 2 ना, क्यों, क्योंकि आई एक्स इज आई एक्स प्लस, अरे भाई ये तो सेम ही चीज किया अपन ने जो डिस्क के लिए करते हैं, आई एक्स एंड आई वाई दोनों सेम है तो ये चीज हो जाएगी 2 इंटू क्या, आई वाई हो जाएगी, ये 2 इंटू आई वाई हो जाएगा आई जेड, तो आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जेड बाई 2 मतलब एम ए स्क्वायर बाई 12। अब मुझे होता ये वाला जो चीज है वो एम ए स्क्वायर बाई 12 हुआ, इसका आंसर आया एम ए स्क्वायर बाई 12। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या, कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेम था जो रिंग डिस्क के लिए करते थे वही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा मैंने अलग दे दिया तो आपको ऐसा लगा कि भाई ये कुछ सेम है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, ये डिस्टेंस है कितना, लेकिन सपोज ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ये कितना है रूट टू ए, तो रूट टू ए बाय 2 मतलब कितना हुआ, ए बाय रूट टू, हाँ ए बाय रूट टू, तो जो डी होता है डी, डी इज इक्वल टू ए बाय क्या आ गया, रूट टू, समझ में आ रहा है क्या, yes। अब मुझे बताओ आई अबाउट एक्सिस क्या हो गया, आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास जो पास हो रही है उसका आंसर कितना था, एम स्क्वायर बाय क्या था, 12 प्लस एम इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू कितनी थी, ए बाय रूट टू का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, yes। तो 6 yes। से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 7 बाय 12 क्या आ गया, एम ए, समझ में आ रहा है, ये आंसर है मेरा, ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत इसमें गाइस, कोई दिक्कत है क्या, नो सर, ठीक है, अब नो सर, नो, अब मैंने टाइम लिमिट पे भी लगाऊंगा, मैं टाइम लिमिट भी दूंगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग 15 मिनट सोचते रहो और मेरे 500 रुपए खा जाओ, ठीक है, तो मैं एग्जांपल, अब हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, स्लाइड क्या, स्क्रीनशॉट के लिए सर, एक पीछे वाला स्लाइड, स्क्रीनशॉट के लिए, चलो स्क्रीनशॉट ले, हो गया, ठीक है, हाँ चलो, हाँ बोलो, एग्जांपल वन, एग्जांपल क्या, एग्जांपल ओके, हाँ अरे एग्जाम्पल वन किया नहीं मैंने, एग्जाम्पल वन तो एकदम इजी है, एक रॉड है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30 बराबर ना, इसका भी कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30 का इंटू हाफ कर लेने का, मतलब सॉरी इंटू हाफ इंटू 2 कर लेने का, बस ये आंसर है, समझ में आया, सर वो अलोंग वाई फाइंड करना है ना, अलोंग वाई क्या है, रॉड है ना यार, रॉड के लिए थोड़ी अलोंग वाई अलोंग एक्स, मतलब सब सेम, अलोंग जेड की, मतलब ये रॉड जो है उसके अलोंग वाई वाई, मतलब इसी प्लेन में ना दिख रहा है ना तुमको, यहाँ पे अलोंग वाई, समझ में,
उसी प्लेन में दिया है ना। अरे मैं क्या मतलब परपेंडिकुलर लेता तो मैं वैसे भी डॉट पे करके देता ना तुमको। ओके मैं परपेंडिकुलर देता हूँ तो मैं ऐसा लिखता हूँ एक्सिस, भूल गए क्या तुम लोग, ऐसा करके लिखता हूँ डॉट, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन में दिया तो प्लेन में दिया, डॉट 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 करके लिख रहा हूँ ना मैं, मतलब उसी प्लेन में वो। ठीक है तू क्या एग्जांपल दू? ठीक है चलो देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है टाइम देखा है मैंने, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल में इसके चार पार्ट मैंने कर दिए और मैंने इतना ये कैविटी कर दिया ऐसे, ठीक है मतलब ये वाला ट्रायंगल सब भरा हुआ है। देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल सब भरा हुआ है और इधर कैविटी, इधर कुछ नहीं है। अब मुझे पूछा है आई अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे घुमाया सपोज ट्रायंगल को, आई अबाउट दिस एक्सिस चाहिए। सुनो सुनो, जो बड़ा ट्रायंगल था ना, जो ऑलरेडी पहले बड़ा ट्रायंगल था, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल ऐसे था ना, देखो ना यहाँ पे सब लोग सुनो, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है ऐसा वाला ट्रायंगल, जो पूरा का पूरा भरा हुआ ट्रायंगल था जिसको मैंने इधर से कैविटी बनाया, तो इस वाले ट्रायंगल का दिया है आई नॉट, इस वाले इसका कितना दिया है मैंने, मैच कितना दिया है आई नॉट, तो बोला है कि इसका कितना होगा, विच कैविटी कितना होगा निकालो। सर वो थ्री ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल राइट? हाँ दिस थ्री ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल। आंसर मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, मुझे आंसर कितना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, आई नॉट इन, हाँ इन टर्म्स ऑफ आई नॉट मुझे आंसर चाहिए। पूरे ट्रायंगल का आई नॉट होगा तो इसमें से इतना कैविटी कर दिया तो कितना बचेगा, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है चलो। भाई लोगों 500 रुपए का सवाल है, तुम आंसर लिखते जाओ, किसी का सपोज सही आंसर आया तो मैं बोल दूंगा इसका सही है, अब तक किसी का सही नहीं है। तुम लोग सब लोग आंसर लिखते जाओ,
गाइस अथर्व अथर्व चव्हाण जरा अनम्यूट कर भाई. अथर्व नहीं ना अथर्व चव्हाण अथर्व चव्हाण अथर्व चव्हाण अथर्व तू कहाँ से है? अथर्व चव्हाण में एक्चुअली थोड़ा सा क्योंकि दो तीन अथर्व है तो मुझे वो एग्जैक्टली वो नहीं है. इस पे लिख चैट पे लिख. ओके ओके अभी तेरा माइक ऑफ है इसीलिए, लेकिन पता नहीं कि तेरा आंसर जो है मेरे को माइक से सुनना था कि तूने कैसे किया क्या किया. लेकिन मेरे को वही है कि भाई अभी तक मेरे को मतलब ऐसा जब तक तू मेरे को बोलेगा नहीं तूने क्या किया लॉजिक तब तक मैं तेरे को राइट नहीं बोल सकता. तब तक तू मेरे को लॉजिक बोलेगा नहीं. लॉजिक क्या किया तूने क्या लगाया लॉजिक सब में से. चलो गाइस यहां पे देख लो यहां पे देख लो. पहले तो मेरे को एक बात बताओ यहां पे गाइस सब लोग यहां पे देख लो सब लोग यहां पे देख लो. नहीं सबका आंसर गलत है. मैंने मैंने यहाँ पे मैंने मुझे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ये ट्रायंगल का मास नहीं पता कुछ नहीं पता ठीक है. लेकिन मुझे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या तुमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पता है क्या तुमको. यस सर. हाँ बोलो. गाइस म्यूट रखो. इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई नॉट आई नॉट. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट. सपोज इसका मास m होगा और इसका लेंथ l होगा तो मुझे बताओ ये जो आई नॉट है ये सम कांस्टेंट होगा राइट सम k इनटू क्या हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा m इनटू l स्क्वायर मतलब भाई 3/2 ml स्क्वायर समथिंग समथिंग मुझे पता नहीं वो ट्रायंगल का थोड़ी मोमेंट अपन इंटीग्रेशन से करने जाएंगे छोड़ो जो भी है वो सम k इंटू एम एल स्क्योर होगा. इतना तुमको समझ में आया कि नहीं आया ठीक है. अब मैंने क्या किया इस ट्रायंगल के ऊपर एक निगेटिव मास का ट्रायंगल रख दिया बराबर ना. लेकिन उसका मास कितना रखा उसका yes, मास sir. उसका मास कितना रखा इसका मास कितना रखा नहीं नहीं m बाई टू भाई चार ट्रायंगल दिख रहे हैं m by 4 कट मैंने मास रखा पहले m by 4 और लेंथ कितनी हुई लेंथ कितनी हुई l by 2 यस लेंथ कितनी हुई l by 2 तो मुझे होता मास भी m by 4 हुआ लेंथ भी l by 2 हुई तो l by 2 का स्क्वायर इनटू सम के. तो बेसिकली यहां पे आप देखोगे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ i डैश उसकी वैल्यू कितनी हुई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अब दोनों का ओवरलैप कर दो ये निगेटिव मास वाला है और ये पॉजिटिव मास दोनों का ओवरलैप कर दिया तो बेसिकली क्या बन गया ये कैविटी बन गई कि नहीं बन गई यस सर
यस सर एक का आई नॉट था और दूसरे का आई नॉट बाई 16 था, लेकिन आई नॉट बाई 16 यहाँ पे निगेटिव था, समझ में आ रहा है? ये माइनस था क्योंकि माइनस मास था, तो ये माइनस मतलब आई नॉट बाई 16, तो इसका आंसर कितना आया? 15 बाई 16 आई नॉट. आपको समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. तो ये बेसिकली क्या था क्वेश्चन? था एकदम मस्त ट्रिकी क्वेश्चन था. क्वेश्चन ट्रिकी था कि नहीं? कुछ करना ही नहीं था, बस थोड़ा सोचना था, और ये बेसिकली जेईई मेन का ही क्वेश्चन है. दो बार आ चुका एक्चुअली, तो पहले पता है एनटीए ने लिया, तो एक बार उसको वापस पूछ लिया पिछले साल, ठीक है? और उसके पहले एक बार आ चुका था ऑलरेडी जेईई मेन में, तो जेईई मेन में दो बार आ चुका है, दो बार, ठीक है? मतलब जेईई मेन में क्वेश्चन वैसे रिपीट नहीं होते, लेकिन पता नहीं एनटीए ने रिपीट कर दिया, तो एनटीए ने पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पेपर में रिपीट किए थे, ठीक है? हाँ बोलो. How did you get that K? अरे सम K, K मतलब ही सम कांस्टेंट K ना, ये K का वैल्यू थोड़ी पता है तुमको. अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी रहेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड लेंथ स्क्वायर, बराबर ना? मतलब K की वैल्यू एग्जैक्टली पता होने की जरूरत भी नहीं है, राइट? तो अथर्व चौहान जो है ना, इसने 15 बाय 16 बोला उस टाइम में, 4 मिनट के टाइम में, ठीक है? अथर्व कंफर्म, तुमने कोई डाउट नट वगैरह नहीं किया? क्योंकि लोग बहुत ही मतलब चालू होते हैं, आप लोग फटाफट डाउट नट में केला फोटो निकालेंगे, डाल देंगे, आंसर निकालेंगे, इसलिए मुझे माइक पे तेरे से बात करनी थी, ठीक है? और अथर्व तेरा सपोज कन्फर्म होगा तो तू मैं मैसेज डाल, ठीक है? तेरे से बात करूंगा मैं, और बात करने के बाद तेरे को पैसा ट्रांसफर. तो माइक नहीं है ना, इसलिए मैं सुन नहीं पाया आंसर, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि उसने एक्सप्लेन क्या किया, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है. अथर्व कौन? एक ही बंदा था जो गोरेगांव से है, जिसने आंसर सही दिया मतलब टाइम पे. चलो आगे बढ़ते हैं. एक काम करो गाइस, अब 4:30 हुआ है, मैं वापस बोल रहा हूं, कोई भी लीव मतलब मीटिंग लीव मत करो, एक ब्रेक ले लो 10 मिनट्स का, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि उसके बाद मुझे एंगुलर वेलोसिटी करके जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाना है आज. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब 10 मिनट के ब्रेक दे रहा हूं, ज्यादा मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूं. और आप लोग मतलब कुछ लोग जो होते हैं ब्रेक के बाद गायब हो जाते हैं, उनका भी अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजने वाला हूं, तो आप गायब मत हो जाना. ऐसा बोलते हैं ना, मैं बाद में देख लूंगा, ये कर लूंगा, वैसा मत करो कुछ, ठीक है? तो फटाफट 10 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं गाइस, ठीक है? सर. हाँ बोलो. सर मैंने ये क्वेश्चन में, मैंने ये मिडल वाले ट्रायंगल का सरफेस मास डेंसिटी से मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन मिला था, पर देन उस वो करने के बाद हाउ विल आई बी एबल टू रिलेट इट टू आई नॉट इन टर्म्स ऑफ आई नॉट? इसलिए तुम ये आई नॉट ऐसे ही करो ना, तुमको जो ये बोला है ना, ये समझ में आया ना मेथड? यस सर. अब यहाँ पे सर हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, आई टुक 9 rods of which 3 were of negative mass density. कुछ नहीं, कुछ नहीं. Hollow space. मास नहीं, पूरा है वो, हॉलो थोड़ी है वो, पूरा है, रॉड भी नहीं लेना इसको, पूरा सरफेस है, ठीक है? गाइस 4:45 को आपको आपका कोई जो भी मेथड पता होगा ना उससे करो आंसर, 15 बाय 16 आना चाहिए. सपोज आया है तो आपका मेथड सही है, ठीक है? 4:45 PM को अपन मिलते हैं एग्जैक्ट, ठीक है? फटाफट आ जाओ. मुझे लगता है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ये हो गया. रुको रुको,
मेरा इसमें प्रॉब्लम था, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम था, अभी सही आ रहा होगा गाइस? सही आ रहा है क्या आवाज? यस सर, यस सर। अभी स्क्रीन भी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसको सब लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है सुना? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का एकदम बेसिक डेफिनेशन, पहले तो मुझे होता सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन में फर्क क्या है। सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, आप एक चीज देखोगे, देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ये एक पेन है, ये पेन सपोज, ये पेन जब ऐसा मूव करता है अबाउट सम एक्सिस, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पेन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? हम लोग ऐसा नहीं बोलते पेन सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या करते हैं अपन, क्या बोलते हैं पेन क्या कर रहा है? रोटेट। तो पेन रोटेशन का मतलब मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये सपोज आई अबाउट सम एक्सिस, सपोज ये एक्सिस होगी कोई भी जो जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो कि हर एक इस पेन का हर एक पॉइंट देखो, डीएम मास, ये क्या कर रहा होता है? ये क्या कर रहा होता है? जब पेन रोटेट करता है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो ध्यान में रखना, रोटेशन का मतलब क्या? रोटेशन रिजिड बॉडी का होता है, कोई भी रिजिड बॉडी सब किसी भी एक्सिस के अबाउट घूमती है, ठीक है। तो उसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा? एक बेसिकली सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन एज अ कंबाइंड रिजिड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो ये वर्ड ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है पता है, मैं बाद में ये चीज बताऊंगा, मतलब अच्छे जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स में, ये पेन जो होता है ना, ऐसा ऐसा इमेजिन करो, ये पेन खुद के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और एट द सेम टाइम ये पेन किसी एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन भी कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब ऐसा पकड़ लो, घूमते 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 घूमते, देखो वीडियो, देखो वीडियो, वीडियो देखो, वीडियो में दिखा रहा हूं मैं, ये अपने खुद के अबाउट, इसको बोलते खुद के अबाउट, एक मिनट, इसको बोलते खुद के अबाउट क्या करना? रोटेशन करना। लेकिन ये खुद के अबाउट रोटेशन करते करते देखो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है कोई पॉइंट पे, बराबर ना? अर्थ जैसा, अर्थ की जैसा, बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ घूमता है और फिर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन चलो सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है। तो ये सब चीजें भी आने वाली है गाइस, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो अभी आप दिमाग मत लगाओ उसमें, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है इसमें, वो स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा मैं तुमको। सर्कुलर रोटेशन का भी ना एडवांस इक्वेशन सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, उसको फॉलो करो, एक 70% क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, 30% क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, वो आपको सोचना पड़ता है। मेरा वीडियो ब्लर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और जो भी है, अब यहाँ पे देख लेना, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? सो एंगुलर वेलोसिटी के दो मतलब, एंगुलर वेलोसिटी जो होते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगुलर वेलोसिटी जो अपने सर्कुलर मोशन में देखा था उसका पहले पार्ट लिख देता हूं। जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ा था, कोई भी एक पॉइंट होगा, सेंटर बोलते हैं अपन इसको, एक मास सपोज सर्कुलर ऐसा सर्कल में घूम रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल में जब घूम रहा है तो कुछ पॉइंट के बाद ये मास यहां से निकल के यहाँ पे जाएगा, बराबर ना, और कुछ एंगल रोटेट करेगा, ठीक है। तो दो टाइप की एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये एंगल जो होता है, ये एंगुलर एंगल क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, याद है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होगी, व्हाट इज इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, स्मॉल एंगल डिवाइड बाय स्मॉल। आप मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ याद है कि नहीं है? ठीक है, ये मैं जो किया हुआ पहले पार्ट बता रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब जो बहुत सुनने के लिए आपको, मतलब सपोज एंगल डी थीटा पकड़ा मैंने, तो इसका डायरेक्शन कैसे होता है, अपना राइट हैंड थंब रूल, मतलब एंगल के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, थंब क्या देगा मुझे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, देखो ना यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, राइट, ओमेगा डी थीटा बाय डीटी होता है। उसके बाद मैंने और एक टर्म डिफाइन किया था, और जोरदार घूम रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, चेंज होते जा रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगुलर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, याद है ना ये सब टर्म्स? यस सर। हाँ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा मैं इंस्टेंटेनियसली लिखता हूँ, डी ओमेगा बाय क्या, बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। और फिर मैंने और एक टर्म बताया था कि जो अपन याद रख, चेंज रूल के हिसाब से अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, याद है ना, वेयर डी थीटा बाय डी टी इज व्हाट, ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, आप इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो यहाँ पे जैसे तीन टर्म्स अपने होते थे काइनेमेटिक्स में, कौन से टर्म्स, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, डीवी अपॉन डी टी, और v डीवी बाई डी एस,
इसके जगह पे और ये तीन टर्म आए जो अपन ने पहले, मैं ये पहले वाला चीज पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर मोशन में जो पढ़ा था मैंने, ठीक है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या आएंगी, वेलोसिटी ये तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डी थीटा अपॉन डी टी। अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी। और यहाँ पे बी के जगह ओमेगा, बी के जगह यहाँ पे डी ओमेगा, और यहाँ पे एस के जगह, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। याद है ना सब कुछ चीजें, यस सर। ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह, तो यहाँ पे ऐसे तीन फॉर्म आते थे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, याद है ना, फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस गाइस, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस क्या, टू अल्फा थीटा। ये कब वैलिड होंगे, ये तीनों दिन कब वैलिड होंगे, व्हेन व्हाट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ इफ द अल्फा इज वेरिएबल, इफ अल्फा इज वेरिएबल तो क्या आता है, हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ अल्फा वेरिएबल का यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। नाउ इफ द अल्फा इज वेरिएबल, मैंने ऐसा लिखा अल्फा इज इक्वल टू, लेट्स से ऐसा लिखा 2t, अल्फा 2t लिखा, ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा मैंने बोला अल्फा इज इक्वल टू 2t, तो मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2, आफ्टर 4, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आएगा, डी ओमेगा बाय क्या, डी टी इंटू टू टी, ये इधर लेके गए और फिर क्या किया अपन ने, क्या किया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये सब पार्ट जो है ना थोड़ा सा सर्कुलर मोशन वाला टाइप का पार्ट था जो अपने को पता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, पहले मुझे बताओ इतने पार्ट में, इसको लिखो मत, इसको अभी लिखो मत, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, लिखो लेकिन बाद में लिखो, पहले मैं जो मेन पार्ट है वो बताता हूँ, जो बेसिकली आज का पार्ट है, जो एक्चुअली रोटेशन चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। पहली बात, पहले ना आज ना थोड़ा सा दिमाग पहले ज्यादा मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ जो मेथड बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, वापस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख लो और फिर ना आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अभी डायरेक्टली समझ में आए तो अच्छी बात है। एंगुलर वेलोसिटी जो कंसेप्ट होता है इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ऐसा पकड़ लो एक पॉइंट है, ऐसा पकड़ लो, चलो एक ये कार है, कार, ठीक है, देखो ये कार है, ये कार कैसे जा रही है, देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वेलोसिटी v से जा रही है। मुझे बताओ कार कोई भी सर्कुलर मोशन कर रही है क्या, कोई सर्कुलर मोशन कर रही है क्या, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रही है अपनी, मस्त बिचारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो मुझे बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। जीरो, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी सबने क्या बोला, जीरो। अब मैं बताता हूँ इसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। मुझे बताओ कोई आदमी, देखो कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, कोई आदमी यहां पे बैठा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर वन है, सपोज ऑब्जर्वर वन, ऑब्जर्वर वन यहां पे इसको देख रहा है इस कार को, तो इसने पहले देखा, इस ऑब्जर्वर ने पहले कार इधर थी, मतलब कहीं कार का पोजिशन वेक्टर इधर था, अब थोड़ी जब कार इधर चली गई, कार इधर चली गई गाइस, अब समझ लो यार, मतलब ठीक है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रही है वो, जैसे पकड़ लेते हैं अभी के लिए, तो यहाँ पे जब कार जाएगी तो मुझे बताओ इसने क्या, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इसने क्या मेजर किया है, एंगल, एंगल थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, किसी का माइक चल रहा है, माइक ऑफ कर लो, हाँ, एंगल थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम टी, जितना भी थीटा जो भी एंगल ये ऑब्जर्वर देखेगा डिवाइड बाय टाइम टी करेंगे, ठीक है। अब कोई ऑब्जर्वर इसे स्ट्रेट लाइन में, देखो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, ओ डबल डैश, अब मुझे बताओ इसने कोई एंगल किया क्या, तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा फिर, जीरो। तो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वर। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं दो तीन पेजेस पढ़ाता हूँ फिर आप लोग ना लिखना चालू करो, ठीक है, एक साथ में पढ़ा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मतलब एक पकड़ लो, ये एक आदमी है जो सेंटर पे बैठा है ओ, एक ऑब्जर्वर है जो सेंटर पे बैठा है ओ डैश, और एक ऑब्जर्वर जो है ना वो सर्कमफेरेंस पे बैठा है ओ डबल डैश,
और एक पार्टिकल को देख रहा है, एक पार्टिकल को देख रहा है जो पार्टिकल ए से निकला घूम के बी पे गया, ठीक है। एक पार्टिकल है, कोई कीड़ा है, कीड़ा वो ट्रेवल कर रहा है सर्कल में, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते, कीड़ा है वो ट्रेवल कर रहा है इधर से इधर। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसने भी एक ऑब्जर्वेशन किया, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी था, दूसरे ऑब्जर्वर का भी एंगुलर वेलोसिटी था, तो मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो कितना होगा। राइट, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल किसी ने तो सही बोला, एक एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल कितना होता है, थीटा बाय, मैथ्स में पढ़ा था सर, थीटा बाय, हाँ थीटा बाय टू होता है ये एंगल, एंगल तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश होता है थीटा बाय टी, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डबल डैश होता है थीटा टू, थीटा बाय टू बाय टी, समझ में आ रहा है भाई, इसके हिसाब से एंगल इतना ही किया ना इसने, yes. थीटा बाय टू होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इंस्क्राइब ऑल सर्कल वगैरह, तो ये सेम आर्क होता है, सेम आर्क सब वो सेंटर में, ये सेंटर में बैठा है ना गाइस, ओ डैश, हाँ, तो अब इन दोनों का अपन ने डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ओ डैश, ओ डबल डैश, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, वन बाय टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको तुमको, yes. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट ऑफ क्या बोला मैंने, ऑब्जर्वर, समझ में आ रहा है, समझ, ओके, टू नहीं, हाँ ठीक है गाइस, ये समझ में आया तुमको, यस सर, अब एकदम सिंपल, मैं और एक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद आप लिखोगे, और एक कंसेप्ट बताऊंगा और इसमें ना दो तीन टर्म भी मैं डिफाइन करने वाला हूं, और यहां से अपना ना ये जो मैं बता रहा हूं उससे रोटेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, रोटेशन की डेप्थ बहुत है, लेकिन डेप्थ को मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, जब मैं स्टेप्स बनाऊंगा ना रोटेशन के तो आपको रोटेशन भी इजी लगने लगेगा, ठीक है, लेकिन स्टेप्स बताऊंगा तब, शायद से मोस्ट प्रॉब्ली मैं मंडे को आपका डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखने वाला है, मंडे का आपका लेक्चर थोड़ा छोटा वाला लेक्चर होगा मेरा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे में हूं नहीं हूं मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो अपना लेक्चर आइदर मंडे या फ्राइडे, मंडे या फ्राइडे में से कोई भी एक लेक्चर अपना ना गायब होने वाला है, ठीक है, तब तक आपके पास टाइम है, जो भी कोडिशन तक पढ़ा हुआ है और जो रोटेशन अब तक पढ़ा हुआ है उसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो सब लोग, यहाँ पे देख लो, अभी आपको एक चीज मैं बताता हूं, एकदम सिंपल वाली चीज दिमाग में रखनी है, एकदम सिंपल वाली चीज है दिमाग में रखनी है, मेरे को मुझे आज इसका एनिमेशन डालना था लेकिन मैं एनिमेशन नहीं डाल पाया, ठीक है, क्योंकि जो एनिमेशन करती है वो बीमार पड़ गई है, तो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल, आपको पता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पेन को देखो, मेरे वीडियो को देखो, वीडियो को डबल क्लिक कर सकते हो आप, और वीडियो को डबल क्लिक करने के बाद ना इस पेन को, पेन घूमने के तीन तरीके होते हैं, इस पेन के घूमने के तीन तरीके थे, एक होता है ना मैंने एक्सिस को फिक्स किया, देखो यहाँ पे, और एक्सिस जा रही है सेंटर ऑफ मास से और ये ऐसा घूम रहा है पेन, अब मुझे था जब ये पेन घूम रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर क्या एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं है, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है, एक रिजिड बॉडी है पेन, मतलब यार ये रॉड जो घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी है इसके अंदर, ठीक है, अब जहां पे जब एक्सिस सेंटर से जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोटेशन, क्या बोलते हैं इसको अपन, प्योर प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन मतलब क्या, एक्सिस सेंटर मतलब सेंटर यहाँ पे घूम रहा है क्या, मुझे बताओ सेंटर घूम रहा है यहाँ पे, सेंटर अपना एकदम ऐसे एकदम फिक्स्ड है, सेंटर एकदम फिक्स्ड है, तो ये हो गया मेरा प्योर रोटेशन, कोई किसी का माइक चल रहा है माइक ऑफ कर लो, आप चैट पे लिख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो को देखने के लिए बोल रहा हूँ, मैं मतलब वीडियो मेरा सही चल रहा है या अटक अटक के चल रहा है, यस सर सही चल रहा है, सही चल रहा है, तो म्यूट करो सिर्फ सुनो, पहले सिर्फ सुनो, ठीक है, तो तीन टर्म्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एक होता है इसको हम लोग बोलते प्योर रोटेशन, एक जब ये पेन है ना पेन पूरा का पूरा ऐसा क्या ऐसा जाएगा, देखो ऐसा क्या ऐसा जाएगा, ऐसा क्या ऐसा जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट कोई घूम रहा है क्या, इसमें कोई घूमने वाला चीज ही नहीं है, सेम देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सेम वेलोसिटी है, उसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन जब सेंटर फिक्स्ड है और ऐसा घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्योर रोटेशन, अब ऐसा घूमते 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 आगे जा रहा है, घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास इसका मूव भी कर रहा है और एट द सेम टाइम मतलब फिक्स नहीं है सेंटर ऑफ मास और ऐसा घूमते 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 जा रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं रोटेशन,
जो प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन दोनों कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो दो तीन टर्म मैंने यहाँ पे बताए, ये तीन में लिख के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ तीनों तीन टर्म, इसको बाद में अपन इन डिटेल थर्ड लेक्चर में देखने वाले। प्योर प्योर रोटेशन करके टर्म डाला मैंने, प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है, प्योर रोटेशन का मतलब होता है, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन पे लेता हूं मैं, तो यहां पे देख लो। नाउ व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन, पीटी, पीटी का मतलब है कि कोई भी एक रिजिड बॉडी होगी, इस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट, इसका स्पीड भी वी, इसका स्पीड भी वी, ये सेंटर ऑफ मास दिया है सपोज, तो इसका स्पीड भी वी, इसका स्पीड भी वी, इसका मतलब देखो हर एक पॉइंट घूमने वाला इफेक्ट ही नहीं इसमें, प्योर ट्रांसलेशन टर्म। एक टर्म आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्योर रोटेशन। अब व्हाट इज प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन इज नथिंग बट सपोज इट कोई भी रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास, नाउ दिस सेंटर ऑफ मास, दिस सी ओ एम, मतलब इसके बाद सिर्फ एक टर्निंग इफेक्ट है जो ऐसा घूम रहा है, जिसको अपन लिखते हैं ना टर्निंग इफेक्ट को ओमेगा से लिखते हैं। बेसिकली ओमेगा ऐसा घूम रहा होगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज आउट ऑफ द पेज, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स थंब, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब थंब इज आउट ऑफ द पेज, क्लॉकवाइज घूम रहा मतलब थंब इज इनसाइड द पेज, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी थंब के डायरेक्शन में होती है, तो जो भी है ये, लेकिन दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड। नाउ जो अपना मेजर चैप्टर है ना गाइस, जो जेई मेन एंड एडवांस में आता है, जेई मेन के अच्छे लेवल पे ना एडवांस में, वो होता है रोटेशन। और रोटेशन होता है गाइस, रोटेशन होता है हमेशा प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, इन दोनों का क्या, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन। मतलब एकदम सिंपल वाला यार, कोई भी एक सिलेंडर हो या डिस्क लो, उसको जमीन पे डाल दो, ठीक है। क्या होगा ये, इसको ऐसा भी भेज दिया, इसके पास एक सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी भी आ गई और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, आगे जा रहा है ना ऐसे घूम घूम के आगे जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का भी स्पीड है, मतलब सेंटर ऑफ मास इज नॉट फिक्स्ड, एट द सेम टाइम घूम भी रही है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मुझे बता, इतना ये इतना पार्ट तो समझ में आया यार, इतना पार्ट समझ में कोई दिक्कत है क्या? नो प्रॉब्लम। समझ में आया ना, ये दिक्कत है मतलब, हाँ नहीं ना, दिक्कत नहीं है ना, समझ में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं, ये टर्म, ये वाला चीज और ये वाला चीज, डिसिप्लिन आ गया उसमें, रुको जरा दो मिनट, ठीक है। जो मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, और फिर आपको लिखने के लिए टाइम लूंगा मैं 10 मिनट गाइस, 10 मिनट लिखने के लिए टाइम दूंगा, मतलब एक ही इसमें मेरा कंसेप्ट आपको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, देखो यहां पे हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन ऑल द केसेस, हाउ टू फाइंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। How to find angular velocity? अब यहाँ पे कोई भी rigid body लेने की, देखो ये एक concept, steps देखो, if this is rigid body, अब इस rigid body को क्या करने का, rigid body मतलब क्या है, ये कोई भी plate हो सकती है, कोई भी 3-dimensional body हो सकती है जो घूम रही है, जो आगे भी जा रही है, घूम भी रही है, rotation हो रहा है उसका, ऐसा पकड़ लेता है। Rotation का case मैंने ले लिया, मतलब pure translation भी हो गया, pure rotation भी हो गया। इस rigid body के कोई भी दो point लो, इस rigid body के कोई भी दो point लो, जैसे point number one, एंड दिस इज पॉइंट नंबर टू। रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट ले, कोई भी दो पॉइंट, आप ये भी ले सकते हो 3 and 4, ये भी ले सकते हो, कोई भी एनी टू पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट लेने के, इन रिजिड बॉडी के दो पॉइंट का, लेट्स से इस पॉइंट का स्पीड होगा v1 इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का स्पीड होगा v2 कुछ इस डायरेक्शन में, देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूं, ऐसा नहीं करता, अभी के लिए मैं कुछ भी एंगल ले लेता हूँ v2। ये कब हो सकता है गाइस, ये कब हो सकता है बताओ मुझे, जब ये रिजिड बॉडी कुछ आड़ा टेढ़ा सा घूम रहा है ना, ऐसे 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 करके जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, तो उस कोई भी इंस्टेंट पे उसको ना, इंस्टेंट के उसके ऊपर इंस्टेंट, ये कोई भी इंस्टेंट का काम है, कोई भी इंस्टेंट को उसको रुकाने का, इन दो पॉइंट को, स्टेप देखो, दो पॉइंट को क्या करने का, कनेक्ट करने का, दो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, और दोनों के अंदर का डिस्टेंस कितना है, कितना लिखा मैंने, एल,
ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली थी आपको, रिजिड बॉडी है उसका मतलब कोई भी रिजिड बॉडी का या स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट याद करो, स्ट्रिंग की लेंथ कौन चेंज करता है, कौन से कंपोनेंट, पैरेलल, पैरेलल टू लेंथ, कौन से कंपोनेंट बॉडी को घुमाते हैं, मैंने बोला था स्ट्रिंग को घुमाने वाले कंपोनेंट कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहां पे दो कंपोनेंट आएंगे, देखो यहां पे V1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, आपको समझ में आ रहा है, यहां पे इस V2 का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, समझ में आ रहा है। Yes, और ये V1 का, अब गाइस मुझे बताओ ये V2 का कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल, पैरेलल। ये V1 का कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल। तो इफ भाई माइक बंद करो, नाउ इफ दिस इज रिजिड बॉडी, तो मुझे बताओ रिजिड बॉडी इनएक्सटेंसिबल होती है क्या? यस सर, इट इज इनएक्सटेंसिबल, इट इज नॉट एक्सटेंसिबल, इट इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या, उसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकते, तो दोनों के पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, V1 का पैरेलल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू क्या, P2 का पैरेलल कंपोनेंट। देखो ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और मुझे निकालना है भाई एंगुलर वेलोसिटी, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो मैं वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोल सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भाई वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2 डिवाइड बाय उसका लेंथ, उसके अंदर का सेपरेशन, समझ में। सो दिस इज माय एंगुलर वेलोसिटी का व्हाट डेफिनेशन, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2। अब मुझे तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2 क्या होगा, यहां पे v1 परपेंडिकुलर माइनस v2 परपेंडिकुलर। किसी का माइक, किसी का बहुत ज्यादा माइक का प्रॉब्लम है, मतलब आवाज ही नहीं आ रहा है, सिर्फ वो किरकिर किरकिर आवाज आ रहा है। डिवाइड बाय एल, ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। मुझे सिर्फ एक और, मुझे मैं इसमें एक और केस देता हूं, मुझे इसमें बताओ सेम बॉडी, ये पॉइंट था लेट्स से, मतलब भाई ये पॉइंट 2 लेते हैं, पॉइंट 1 लेते हैं, सपोज इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे थी v1 और इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे थी v2, तो तुमको क्या लगता है अभी इस केस में सपोज इन दो पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूँ लेंथ, और सपोज ये हो गया इसका मतलब मैं v1 परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगा और इसका v2 परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा बताओ मुझे, अपोजिट, ठीक है, और v1 पैरेलल तो सेम ही होंगे, तो मुझे होता है इस केस में व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू 2, दोनों क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय व्हाट, सेपरेशन, समझ में आ रहा है। और इस केस में आंसर क्या आता पता है, इसमें आंसर क्या आता, वेलोसिटी ऑफ 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस एक मिनट, किसका माइक कुछ तो पंगा है, मुझे पता नहीं है, सर वो ऋतुजा का माइक, ऋतुजा तुझा तेरा माइक एक बार कर, हां ऋतुजा तेरा माइक बहुत, हां नहीं नहीं तेरा तेरा प्रॉब्लम है, तेरा माइक बंद करके रख, हां v1 परपेंडिकुलर प्लस क्या, यहां पे मुझे बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का वेलोसिटी का क्या होगा, एडिशन होगा, v1 परपेंडिकुलर डिवाइड प्लस v2 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा लेंथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे। Yes, भाई मैं जो बोला है, ये जो मैंने लिखा है, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अभी मैं बहुत सारा 10-15 मिनट का अभी मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, तुम्हारे दिमाग से जाएगा, ठीक है, इसको पहले इतना नोट डाउन कर लो, और एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इस एग्जांपल को भी नोट करके रखो, ये एग्जांपल मेरा होमवर्क एग्जांपल है, होमवर्क, ठीक है गाइस, फिर उसके बाद मैं एंगुलर वेलोसिटी को अगले लेक्चर में लूंगा और उससे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन में देने वाला हूं होमवर्क में, एक डिस्क है जो ऐसे जा रही है, ये इसको मैं डिस्कस करूंगा चाहिए तो अगले लेक्चर में, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड दिया है 4v, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड दिया है v, इसका मतलब ऐसे घूम रही है ना, ठीक है, और ये है सेंटर, ये है सेंटर, तो बोला है कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है इसका स्पीड कितना होगा, ठीक है, ये एक होमवर्क है, शायद से नहीं आएगा आपको, एग्जांपल 2 में दे रहा हूं, एक रॉड है ऐसे जो ऐसे करके इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है,
ये एंगल 30 डिग्री है और ये रॉड जो है ना ये स्लाइड हो रहा है, स्लाइड ऐसा करके स्लाइड हो रहा है। तो मुझे होता है ये रॉड का ये स्पीड, इसका स्पीड है वेलोसिटी वी नॉट इस एंड का, तो ये भी नीचे आ रहा है ना कुछ स्पीड से। तो बोला है कि इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, समझ में आ रहा है क्या? और इस स्पीड का भी एंगुलर वेलोसिटी भी निकालना है और इसमें वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट भी निकालना है। अब मैंने बहुत सारा चीज पढ़ा दिया गाइस, क्योंकि मेरे को अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर से ही चालू करूंगा। एक काम करो, फटाफट यहां से लिखना चालू करो, बहुत लिखना है आपको भी, और मैं थोड़ा सा अगले लेक्चर में उसका रिवीजन दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, रिवीजन दूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्विक 10-15 मिनट का रिवीजन दूंगा और फिर मैं अगला सेशन में जाऊंगा, ठीक है? अभी आपको सिर्फ लिखने का ही आपका काम बचा हुआ है। सर एक बार होमवर्क पेज खोलो ना। हाँ रुको, या तुम एक काम करते हो क्या इसमें गाइस, सब स्क्रीनशॉट लेते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेते हो? स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने आप से लिखो। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, एक एक मिनट लो, स्क्रीनशॉट लो। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। सर वन मिनट, सर एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ पता है मुझे, हाँ पता है, हाँ पता है, रुको करो। सो हो गए सर, ये चैप्टर वो टेस्ट में होगा? नहीं, ईयर एंड वाला टेस्ट। हाँ नहीं, उसमें होगा। आगे बढ़ू? यस सर। अभी ये वाला करो, हो गया। आगे बढ़ू? यस सर। ये वाला करो, हो गया। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। करो, देखो लास्ट में बहुत पढ़ा है, क्योंकि ये लिखने को आपको 10-15 मिनट जाएगा ऐसे ही। तो ये आप जैसे ही होगा आपके टाइम के हिसाब से आज रात को लिख देना, और ये वीडियो को लास्ट का पार्ट वापस देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग। ओके सर। सो हो गए, हो गए, ठीक है? वापस एक बार सबको मैं ये दिखा रहा हूँ, आपको एक सब में दिखा रहा हूँ। ये लिखो, ये करो एक बार, मतलब वो कर लो। हेलो सर। बोल सर। एक्चुअली अभी कॉलेज के लेक्चर्स चालू हो चुके हैं, तो उसका टाइमिंग्स और आपके क्लासेस का टाइमिंग्स मैच कैसे करें? कॉलेज के जो सब कुछ है ना तुम्हारे टाइमिंग, कॉलेज कॉलेज का जो टाइम, कॉलेज को कॉलेज टाइम पास करेगा तू, कॉलेज में ज्यादा बैठने का नहीं। सर हो गए कॉलेज सर, पर अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम तो बैठ लो ना। थोड़ा बैठ लो, नाटक करने का बैठने का, दो टैब रखने का। अच्छा ठीक है सर। मतलब तुमको सपोज एडमिशन चाहिए ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, हाँ ये तुम्हारा पर्पस है, तो कॉलेज को कॉलेज टाइम पास होगा, समझा? ओके सर। सर एक मिनट, होमवर्क का स्क्रीन लगाओ। सर हाँ बोल बोल। एंगुलर वेलोसिटी वाला बंद हो गया अभी। सुन मैं वो होमवर्क का एक कोई किसी कोई भेजो, मैं होमवर्क का स्क्रीन भेज देता हूँ, ये भेज देता हूँ। ओके सर, ठीक है। सर एंगुलर वेलोसिटी वाला वापस बताओ ना, वो माइनस वाला। नहीं अभी वो एक्सप्लेन करो ना। नहीं अभी बंद हो गया वो अभी। एक काम करता हूँ कि भाई मुझे दो तीन लोगों ने जिसने भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जरा भेज दो मेरे को व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। Bye guys, bye. Bye, bye sir. Bye, bye sir. Sir. Thank you, bye, sir. Thank you, sir. Bye guys. Bye. Bye sir. Thank you, sir. Bye guys. Bye, bye. Sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Sir. Thank you.